तो आज हम जा रहे हैं एक और हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। कहाँ के लिए निकले थे और कहाँ हम चले गए? दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल ट्रैवल बग में। आज है सैटरडे, सैटरडे यानी वीडियो बनाने का दिन। मौसम भी एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा बादल है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम कहां जा रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। मतलब पिछली कुछ वीडियोस में ना क्या रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। एक एक दिन में मतलब हमने 1500 व्यूज़ क्रॉस करे हैं। तो अपन ऐसी मेहनत करते रहेंगे, आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहो। वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पहली बार आए हो ना तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो अब सवाल आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक और हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर मतलब ये जगह भी ना किसी को नहीं पता होगी। तो जो ये जगह है ना इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड मैंने यूट्यूब में सर्च करा तो यूट्यूब में भी कहीं मुझे वीडियो नहीं मिली है। लेकिन धूप आ गई है फिलहाल, अभी धूप डिसाइडेड नहीं थी यार, सिट हो जाइए। तो बट फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने भाई के घर, वहीं बैठ के डिसाइड करेंगे प्लान का आगे क्या करना है। तो फिर आप लोगों से वहीं मिलते हैं। तो बाहर आ गई है बहुत ज़ोर की धूप और हम लोग पहुंच गए अपने बुआ लोग के घर। वैसे प्लान था सुबह 6 बजे का, लेकिन 9 बज गए क्योंकि सुबह ना उठा नहीं गया बिल्कुल भी। खुद नहीं उठते हम व्लॉगर साहब, यू नो। बहुत अलार्म बजा लेकिन उसे उठाई नहीं गया क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रहा था सुबह सुबह। तो फिर अभी हम बुआ लोग के घर आए, डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे। लेकिन जो जगह हम पहले जा रहे थे ना, तो वहाँ वो जाना मतलब वो जगह इतना बढ़िया नहीं रहेगा क्योंकि धूप आ गई है और गर्मी लगेगी वहाँ भयंकर। तो सोच रहे हैं फिर कुछ और करते हैं। क्या कर रहे हैं फिर? भाई ये लोग इतनी गंद मचा रहे ना इतनी देर से, मतलब इन्होंने दिमाग खा दिया है, तो प्लान ही नहीं बना पा रहे कि करना क्या है। मतलब इतनी देर से 9 बजे हम पहुंच गए थे यहाँ पे और 10:30 हमें हो चुका है ऑलरेडी, और तब से लगे हुए हैं। कोई मसूरी बोल रहा है, कोई मालदेवता बोल रहा है, कोई कहीं बोल रहा है। इस ब्लॉग की तैसी तैसी हो चुकी है फॉर श्योर। तो फाइनली डिसाइड कर लिया है, देखो एक तो बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप, तो सोच रहे हैं कि ना थोड़ी अच्छी जगह जाएंगे जहाँ पर ठंडे में मज़ा भी आए। तो सोच रहे हैं कि मसूरी साइड जाएंगे। वैसे पता नहीं है क्योंकि सैटरडे वगैरह को ना पुलिस का भी पंगा रहता है, तो जाने देंगे या नहीं देंगे। अब जैसा भी होगा जाके देखते हैं जो भी होगा। 1, 2, 3, 4 और मैं 5, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। एक्चुअली हम हो रहे हैं 5 जने और गाड़ी हमारे पास 2 हैं। तो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्या करें? तो सोच रहे हैं कि कार में चलते हैं फिर। तो हम लोग अभी जस्ट मैगी पॉइंट में बैठे हैं, एंड भाई क्या नज़ारा लग रहा है। मतलब यहाँ से एक बार दिखाऊं आप लोग को, एक बार देखो भाई, मतलब इतना ज़्यादा क्लियर लग रहा है ना। मतलब अगर बायनोक्यूलर्स लाता तो अपना घर भी ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा साफ लग रहा है। तो यही तो खूबसूरती है अपने देहरादून की, मतलब कभी ना इतना ज़्यादा हेजी रहता है कि कुछ भी नहीं दिखता नीचे, और अभी देख लो आप कितना ज़्यादा साफ है। हमारा प्लान अभी है कि हम जाएंगे चार दुकान, एंड वहाँ पे ना मौसम पक्का बहुत ज़्यादा फॉगी होने वाला है। अभी तो यहाँ पे धूप हो रही है, गर्मी भी हो रही है, लेकिन वहाँ मौसम पक्का बहुत भयंकर होने वाला है। तो अभी यहाँ कुछ खाते हैं पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से ऊपर। तो अभी हमने यहाँ मैगी ख़त्म कर ली, हमने यहाँ मैगी वगैरह खाई है, एक तरीके से लंच समझ लो। अभी प्लान जो है वो ऊपर जाने का है। क्या यार ये क्या, कट कट कर गया। तो अभी मैगी वगैरह खा ली है और व्यू देखो अभी बार दोबारा यहाँ पे, आहा बहुत ही सेट व्यू हो रखा है। लेकिन ना अभी ऊपर जाएंगे और ऊपर तो बहुत भयंकर मौसम होने वाला है। मेरे दोस्त चलें, चलें इसको, लेट्स गो। अभी 4 दुकान के पास पहुंचने वाले हैं और मौसम देखो भाई कैसे पलटा है। मतलब ऊपर आसमान देखो कैसा हो रखा है, और नीचे देखो, नीचे तो धूप आ रही है अभी भयंकर। तो जैसा मैं बता रहा था नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी हम वैसे पहुंचे नहीं है 4 दुकान, पहुंचने वाले हैं, लेकिन जाते जाते ना ठंडा हो जाएगा भयंकर। क्यों प्रिया? स्वागत है आप सभी का। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपने 4 दुकान वाले एरिया पे, एंड जैसा कि प्रिया बता रही थी तो ग्रेवयार्ड बता रही है कि वो जगह है जो कि सुंदर है, मैं पहले कभी नहीं गया हूँ। देखते हैं अभी कि एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो ये रही यहाँ से रास्ता है, ये प्रिया हमें लेके जा रही है। अगर प्रिया जगह अच्छी नहीं हुई ना देख ले फिर, क्या सेफ है यहाँ पे जाना? पता नहीं सेफ है कि नहीं है।
हाँ मुझे नीचे तो दिखाई दे रहा है कुछ कुछ भाई साहब, डर लग रहा है भाई, डर डर लग रहा है। तो भाई अभी हम ग्रेवयार्ड जा रहे हैं, मतलब लोग कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए और हम ग्रेवयार्ड जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, रात को मेरे दोस्त को यहाँ पे कुछ दिखा था, सीरियसली अनंत को। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ पे ना अभी हम सिर्फ 5 लोग हैं और क्या सन्नाटा है, मतलब बहुत ही ज्यादा पीस है। तो यार सोचा था बताया कि हम 4 दुकान आएंगे यहाँ पे, बादल उड़ रहे होंगे मस्त करके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, धूप आ रही है, लिटरली धूप आ रही है। भाई नीचे देखो मौसम देखो एक बार, ओ उधर उसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देरा नीचे ना साफ दिखाई दे रहा है कि बारिश गिर रही है और बारिश दिखाई दे रही है पड़ती हुई। तो अभी ना 4 दुकान से हम लोग नीचे आ गए और यहाँ से ना घर निकल रहे हैं, लेकिन ये मौसम दिखा तो मैंने कहा आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार, देखो भाई क्या सेट लग रहा है भाई। तो आज ये हो क्या रहा है, मतलब अभी हम ना ऊपर थे तो फिर वहाँ धूप आ रही थी एंड अभी नीचे जा रहे हैं, ये देखो एक बार यार क्या बादल उड़ रहे हैं। अभी हम लोग इतने हाइट पे थे वहाँ पे 4 दुकान के साइड एंड वहाँ मौसम बताओ कैसा हो रहा था, कैसा हो रहा था मौसम? हाँ तो धूप हो रही थी भयंकर, अब सोचो तो पूरा मौसम ही पलट चुका है। अब सोचो वहाँ ना इतनी तेज धूप हो रही थी और अभी देखो नीचे हम जा रहे थे घर वापस और मौसम देखो क्या पलटा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बादलों के बीच में ही आ गए एकदम। तो ना अभी घर आ गए एंड बहुत ज्यादा थके हैं, मतलब कहाँ के लिए निकले थे और कहाँ हम चले गए। ये वीडियो ना स्टार्ट हुई थी मतलब एक हिडन जगह को एक्सप्लोर करने हम लोग निकल रहे थे, लेकिन देखो फिर प्लान बनता है कई बार चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ आके फिर हुआ थोड़ा बहुत चेंज कि फिर धूप आ गई थी, ये उसको वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ हुआ। तो फिर हम लोग गए फिर 4 दुकान, वहाँ भी मज़ा आया, मतलब अपने कजन के साथ तो खैर मज़ा आता ही है। अबे बाप रे क्या धूप हो रही है यार, यार ये दोनों ना मुझे वीडियो नहीं देंगे। तो ये वाली जो वीडियो है ना मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाई थी, एक तरीके से डेली व्लॉग की तरह बनाई थी, क्योंकि इन फ्यूचर ना मैं स्विच कर जाऊँगा डेली व्लॉग्स में। वैसे कैसी लगी आप लोग को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर चैनल पहली बार हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू विल नेवर फॉरगेट एनी ऑफ माई क्रेजी अपडेट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में मैं पक्का कोई जाऊँगा कोई नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे पास है एक जगह, वैसे आज प्लान वहीं का था, जा नहीं पाया, कोई नहीं, अगली वीडियो में चले जाऊंगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।